अरे इनसे पूछ के देखें क्या। ओ चाचा, ये रफीक मियां का मकान किधर है? अफीम? अरे भैया अफीम अफीम नहीं बेचते। लग रहा है चाचा के कानों में भी कर्फ्यू लग रहा है। और तेरे पैरों में लग रहा है। सही कह रहे। चाचा वो रफीक मियां है, रफीक मियां उनका घर। अच्छा अच्छा रफीक मियां। हाँ। लेकिन बेटा रफीक मियां तो यहाँ पांच है, अब किसका घर? उनको बोल रफीक खान, रफीक खान का घर। रफीक खान है ना, रफीक खान। अच्छा अच्छा रफीक खान। लेकिन बेटा रफीक खान भी यहाँ तीन है, अब कौन से रफीक खान? अरे सारा के अबू, सारा के अबू पूछ। चाचा वो सारा, सारा के अबू। अच्छा अच्छा सारा के अबू। हाँ। लेकिन सारा के अबू भी यहाँ दो हैं, अब कौन सी सारा के? उनको बोल वो जो बुजुर्ग वाले हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम। चाचा वो बुजुर्ग। अच्छा अच्छा वो बुजुर्ग वाले। लेकिन बेटा उनका तो इंतकाल हो गया। हाँ। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठंडा पिलाऊं? अरे ले भाई हो गया काम। कैसे भाई? ये बच्चा बताएगा बेटा इधर। अरे यार वो 55 साल का बुढ़ऊ नहीं बता पाया, ये बच्चा के खाक बताएगा। अरे भाई जो काम बड़े ना कर पाए ना वो बच्चे कर जाए। बेटा ये रफीक चाचा का घर कहाँ है? इधर जाके उधर जाके उधर। ठीक है ले बेटा हो गया काम। जोर लग रहा है मुझे पूरा। अरे तू देख भाई घर तो यही है। अरे भाई पूरा आगे ले ले यार। आगे क्यों ले लूं? जब जाना इस घर में है तो आगे क्यों लूं? भाई घर में जाना है मतलब? अरे मरवाएगा क्या भाई? भीतर ने चले गए ना तो कट के ही बाहर आऊंगे। अबे तू हंस रहा है भाई? जो दीवार देख रहा है ना इन पे अपने पोस्टर छपे मिलेंगे गुमसुदा के। अबे फट्टू जिगरा नाम जैसी कोई चीज है कि नहीं तुझमें? हाँ तू एक काम करियो, अंदर जाते टाइम अपना दिमाग साइलेंट मोड पे रखियो, जो करना है मैं कर लूंगा ठीक है। हाँ। और हाँ ये अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मत करियो, तेरी भाभी बुरा मान जाएगी। चल। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? क्या काम है? बस चाचा वो, अबे बैठना, वो चाचा आपकी, चाचा वो हम कबाड़ी हैं। लेकिन देखने में तो आप कबाड़ी वाले नहीं लगते। अब भाई बुढ़ो चलो निकल ले। अब चाचा क्या है ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कबाड़ी कैसे लग सकते हैं? अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी क्यों नहीं करते? कहाँ चाचा नौकरी, अब नौकरी तो आजकल इन पॉलिटिशियंस के भाषणों में घूम के रह गई है बस, आपको तो पता ही है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले इस गाँव में देखा नहीं। अबे बैठ ना, बैठ बैठ कबाड़ी बैठ। नहीं नहीं वो हम लोगों ने नया नया काम शुरू किया है, नया नया घूमना। हाँ। शुरू किया है, कहाँ देखा होगा आपने। अच्छा अच्छा तो कैसा सामान खरीदते हो? चाचा एकदम सस्ता और टिकाऊ। हाँ। नहीं चाचा वो मैं देख रहा था कि घर काफी अच्छा बना रखा है आपने। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ तो बड़े एक ये है और एक वो है। हाँ 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 चाचा ये तो ठीक है, मैं कह रहा था कि कुछ और रखा है घर में, कुछ मतलब इसके अलावा ये है। कितने की है? अरे कितने की क्या, 30,000 की ले लो, पूरे मोड़ना में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। दिखने में तो अच्छी है, ब्यूटीफुल है जी। तो क्या लगाओगे बेटा? चाचा इसका तो कुछ भी ले लो आप, अरे इसके लिए तो मैं खुद बिक जाऊंगा। अरे चाचा इसका मतलब है दिखने में अच्छी है तो नस्ल की भी अच्छी होगी। अच्छी नस्ल? बहुत अच्छी नस्ल की है, इसकी माँ तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बेटा जी अबू 3 कप चाय लाओ। जी अबू। चलो मां दिखाता हूं, उसके 30,000 ज्यादा नहीं मांगे मैंने, ये उसकी माँ है। माँ? किसकी माँ? हाँ, हाँ उसकी माँ है ये, उसकी माँ है।
क्या चाचा आप भी। अरे पांच वक्त का नमाजी, मेरे यकीन नहीं करते आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये उसकी माँ है? हाँ हाँ हा, भाई। अरे मैं ही तो लाया था इसे, मेरे सामने ही तो भैया ये। अरे यार मुझे नहीं लगता। चल ठीक है। ये जमाल गोटा इसकी मोहब्बत को ऐसा उतारेगा कि जिंदगी में कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखेगा। चाचा तीन का टोटल कितना हुआ? तीनों को मिला के 50,000 दे दो। 50,000 तो इस वक्त हमारे पास नहीं है चाचा जी। आप एक काम कीजिए, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम कॉल करके आ जाएंगे और अपना सामान ले जाएंगे। मेरा फोन तो खराब हो गया है। हाँ। मैं अपनी बेटी का नंबर दे देता हूँ। जी जी कागज है? पेपर देना। ये लो बेटा नंबर। जी नंबर की क्या जरूरत है अबू इन्हें, ये तो कबाड़ी हैं, गांव में आते जाते रहते हैं, सामान लेना हो तो घर पर आ जाएंगे। ठीक है बात तो सही है। ये अबू की है बिना शक्कर वाली। हाँ। चाय लीजिए ना। जी अच्छी है चाय। क्या लग रही है? अच्छा पीले पीले। अच्छा फिर लगेगी। भाई जैसे आए थे वैसे अगर जाना है ना तो कप रखते और निकल ले। अबे मोहब्बत की चाय है, मोहब्बत से पियेंगे। भाई ये मोहब्बत की नहीं आफत की चाय है, कप रखते वरना जाने की हालत में नहीं रहेगा। मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं अच्छी है ना, ये तो पागल है, इसकी शक्ल ही खराब है देखो। अरे इसे तो गांव की जलेबी भी कड़वी लगती है। मैं पी रहा हूँ ना। जहाँ पर ना एक कप और मंगा दूँ? नहीं नहीं बस अब चलने का समय आ गया। अब खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं चाय बहुत है ना, खाना नहीं। अच्छा चाचा तो चलते हैं। हाँ तो सोच लेना डील के बारे में। जी 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 हाँ मिलते रहना। जी 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 अच्छा। अरे पानी की बोतल तो लेते जाओ, रास्ते में काम आएगी। इस जोधा सिंह ने तो हमारी जमीनें हड़प करके हमारे साथ वो काम कर दिया है कि इधर पड़े तो कुआं उधर पड़े तो खाई। अरे ऐसे कैसे जोधा सिंह आप लोगों की जमीनें हड़प लेगा? अरे भाई जमीनों के कागजात आप ही लोगों के नाम पे है ना? जी जी हाँ। तो फिर? और वो पटवारी पैसे लेके सारी जमीन जोधा सिंह के नाम पे चढ़ा देता है। अरे आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कल यहाँ आ जाइए, मैं आपके साथ खुद चलूंगा। जी जी। और हाँ आप लोग अपने जमीनों के कागजात साथ में लेके आइएगा। जी जी ठीक है ठीक है। क्या शादी थी भाई, ऐसी शादी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। खाना भाई खाने का प्रोग्राम बड़ा ही मजेदार था, वो था क्या मुर्ग मसालम भाई, खा के मजा ही आ गया हमें तो। पटवारी जी अगर मजे की बातें खत्म हो गई हो तो जरा काम की बातें कर लें। तिवारी जी हम थोड़ी देर में फोन करते हैं। पटवारी जी ये जो जमीनें आपने गैर कानूनी तरीके से जोधा सिंह के नाम चढ़ा रखी है ये दरअसल इन गरीब किसानों की है। आप चाहे तो पेपर दिखा सकते हैं हम, ये देखिए। ये जमीनें तो इनकी है, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे तेरा कुछ अपना काम है तो बता, मैं करता हूँ। अरे इनका क्या है, मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोधा सिंह के नाम कर रखी है और आगे भी करूंगा, समझे? अरे पटवारी जी आगे का वादा अभी से क्यों कर रहे हैं आप? क्या करेगा, शिकायत करेगा, जिससे करनी है कर, तेरे जैसे 70 आते हैं रोज यहाँ, आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे? ये बिगाड़ने की बात कहाँ से आ गई? हाँ जो तेरे गुब्बारे में गैस भर रही है ना ये सही जगह से बाहर नहीं आ रही, इसके लिए एक बायपास बनवा देता हूँ, तेरे रिटायरमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बढ़ा दो क्या? क्या जब ना करियो? एक रास्ता और है। क्या? सुनेगा
दिखाइए बबलू। ले भाई ताऊ देख। मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोधा से। अरे भाई कतई हीरो लग रहा है। और आगे भी करूंगा। सोच अगर ये मीडिया में आ गई तो क्या होगा? भाई कतई सुपरस्टार बन जाएगा ये तो। नहीं नहीं ना, फिर तो हम मिल भी ना पाएंगे तेरे से। अरे ना ना, पटवारी जी तो अपने मिलेंगे ना। नहीं नहीं मिलेंगे, पूरी शूटिंग वही करवाऊंगा तेरी। अबे ओए जोधा सिंह के कुत्ते, ध्यान से सुन, दो ऑप्शन है तेरे पास। या तो इन किसानों की जमीन वापस कर दे, नहीं तो जोधा सिंह के साथ जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। आई बात समझ में? आई क्या जी? और सुन, तिवारी को कॉल कर लियो, वेट कर रहा होगा तेरे कॉल का जी। हाँ? अरे भाई पटवारी जी, एक बात और, अपनी ना सही, कम से कम इनकी इज्जत तो कर ले जी। जानता है कौन है ये जी? वो भगत सिंह। सलूट मार। जी सर। भैया जी, यही है प्रधान जी का बेटा देव मलिक, जो पटवारी को धमकाने गया था। आजकल गांव में बहुत फड़फड़ा रहा है ये। गाड़ी लगा इसके सामने जी। सुना है कल तू पटवारी को धमकी दे के आया है, हैं? तुझे क्या लगता है, तेरे कहने पे जमीन वापस कर देंगे हैं? या पुलिया देख रहा है, इसमें तेरे जैसे घने काट के बादी है, आज तक खबर ना है। भैया जी ठोक दूं क्या इसे? अभी बोल रहा हूं ना, नहीं तो फिर ठोक देना, मुझसे उलझ मत, नहीं तो दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। समझ में आई? अच्छे गुंडे महंगे और सस्ते की बातें नहीं करते, पर यहां तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है, जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़प लेगा। हाँ बापू, दो मिनट मार रहा हूं, अभी तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी में हूं, फिर मिलेंगे। सोचा था प्यार से कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।